यूपी के शाहजहांपुर में एक गल्ला व्यापारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें दोस्त के साथ हुए विवाद के चलते गल्ला व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद हत्यारे फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना कटरा के बाहर व्यापारियों की भीड़ का ये नज़ारा गल्ला व्यापारी शोभित गुप्ता की हत्या के बाद का है। यहाँ गांव सैदापुर में देर रात गल्ला व्यापारी की गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। दरअसल कटरा थाना क्षेत्र के बजरिया के रहने वाले शोभित गुप्ता के दोस्त मनोज का बस स्टैंड पर सैदापुर के रहने वाले कुछ लोगों से विवाद हुआ था। परिजनों की माने तो रात में ही गंगाराम नाम का युवक गल्ला व्यापारी को घर में बुला ले गया। बताया जा रहा है कि सैदापुर पहुंचकर दोनों पक्षों में दोबारा से विवाद हो गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने गल्ला व्यापारी शोभित गुप्ता के सिर पर सटाकर उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। व्यापारी की हत्या की खबर से इलाके में तमाम व्यापारियों ने सुबह में थाने का घेराव किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चूंकि विवाद गल्ला व्यापारी के दोस्त मनोज से हुआ था और दोस्ती में ही शोभित गांव पहुंचा गया था, जहां उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिलहाल गल्ला व्यापारी की मौत से स्थानीय व्यापारियों में खासा गुस्सा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक हत्यारों को गिरफ्तार कर पाती है। बुलाया शोभित को फोन करके, गंगाराम बुलाने आए, मनोज गंगाराम बुला के ले गए होंगे। घर से अपनी बीवी से यही कह के गया कि मनोज का फोन आया है, गंगाराम आ रहे हैं। मैं उनके उनसे बात करके अभी लौट के आ रहा हूँ। भाई ये बेटा घर पे पता है, बाकी हम लोग सो रहे थे। 3 बजे दीवान जी आए, उन्होंने बताया कि आपके बेटे का मर्डर हो गया। बस तो हमें पता लगा जब हम सैदापुर पहुँचे तो मेरा बेटा वहाँ पड़ा हुआ था। किस प्रकार से, मतलब क्या गोली लगी है? कोई रंजिश थी किसी? कोई रंजिश नहीं, रंजिश तो है ही नहीं हमारे बेटे की किसी से। अब जो बता दें किसी की रंजिश थी, किसी के खिलाफ कोई तहरीर? कोई रंजिश कुछ नहीं, तहरीर जो दी है या जो एफ आई आर दी है उसमें मनोज गंगाराम का ही नाम दिया है। इन्हीं का फोन आया, यही बुला के ले गए, इन्हीं का नाम दिया है, बाकी कुछ नहीं। थाना कटरा के अंतर्गत दो परिवार के बीच में आपस में झगड़ा हो गया है, उस झगड़े में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। इस संबंध परिवारजन द्वारा तहरीर लेकर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और अभियुक्त मौके पर गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा रहा है और बॉडी को छानबीन चल रहा है और इसमें